अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर फॉर क्लास 5 फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 3 सी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था। लास्ट नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3 सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिवाइड द फॉलोइंग। क्या करना है आपने, फ्रैक्शंस आपको गिवन है, आपने से क्या करना है, डिवाइड करना। और डिवाइड करना आपको, जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने डिवीजन ही की है फ्रैक्शन की, तो आप लोगों को आई थिंक प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ 1/6 डिवाइडेड बाई 5। 1/6 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन आपको गिवन है 1/6 डिवाइडेड बाय 5। सेकंड फ्रैक्शन आपका इनकम्प्लीट है, इट मींस आपको डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता, सिर्फ न्यूमरेटर गिवन होता है, उसका आंसर, इसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1। आपके पास प्रॉपर फॉर्म आ गई फ्रैक्शन की, दो फ्रैक्शंस गिवन है, आपको ऑपरेशन क्या गिवन है, डिवीजन। और डिवीजन करना मैंने आपको बताया, डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शंस की डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहता है, सेकंड डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाता है। इट मीन्स सेकंड फ्रैक्शन आपका 5/1 है, तो इन्वर्स हो क्या हो जाएगा, 1/5। अब आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस आपको गिवन है, ऑपरेशन क्या गिवन है, मल्टीप्लिकेशन। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 1 × 1 एंड 6 × 5। 1 × 1 = 1, 6 × 5 = 30, इट्स योर आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी है 1/4 / 7। आपने क्या करना है, इसमें आपने खुद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। 1/4 / 7 है, इसका डिनोमिनेटर गिवन है, तो आप डिनोमिनेटर क्या शो करेंगे, 1। और आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट सॉल्व करवाया है क्वेश्चन नंबर 4 का, वैसे ही आपने बी सी डी ई एफ जी एच एच तक आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अगर आपके पास कंडीशन इस तरह आ रही हो कि आपके पास कैंसिलेशन हो रही हो, तो हम कैंसिलेशन करेंगे। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो और कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आप उसे क्या करेंगे, मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, तो आपने आंसर वही शो करना है, आपने उसको लोएस्ट टर्म में नहीं लेके जाना, ना ही आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, ना ही उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नाउ मैं अब आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट आई। आई है आपका 1/2 / 1/3। 1/2 / 1/3 को किस तरह सॉल्व करेंगे, 1/2 / 1/3 आपको फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शन आपको गिवन है, ऑपरेशन साइन आपका डिवीजन है, डिवीजन करनी आपको आती है फ्रैक्शंस की। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीजन में रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल आप किस तरह करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन से डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स होगा, 1/3 है, तो इन्वर्स होकर हो जाएगा 3/1। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 = 2 × 1, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। अब ये देखिए हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, रफ वर्क का कॉलम बनेगा आपका, ठीक है। 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 1 = 2, रिमाइंडर इज 1, तो आपका आंसर आया 1/2। और मिक्स नंबर में लिखना मैंने आपको सिखाया किस तरह लिखते हैं, होल आपका आंसर जो आता है वो बनता है हमारा होल, रिमाइंडर होता है हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है। इसी तरह आप देखें ए एंड आई मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। जे आपके गिवन है 1/4 / 1/2, ये आपको सॉल्व करेंगे। के आपको गिवन है 3/4 / 3/2 एंड एल आपको गिवन है 7/3 / 14/15, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूँ एल। फ्रैक्शन आपको गिवन है 7/3 / 14/15,
क्या करना है, फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। डिवाइड में आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स, सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा। 14/5 है तो जाएगा 15/14। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 1 3, 3 5 15, 7 1 7, 7 2 14। फ्रैक्शन आपके पास आया 1/1 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। अब आप देखिए फ्रैक्शन क्या गिवन है, फ्रैक्शन आपको गिवन है, फ्रैक्शन जो है ये आपको गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स हम इसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, मिक्स नंबर में चेंज करेंगे, रफर का कॉलम बनेगा आपका, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, तो आपके पास आंसर आया 2 होल 1/2। इट्स योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी जो मैंने करवाए ये आपने फॉलो करने हैं और इसी मेथड से बाकी होमवर्क आप अपना सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट डिवीजन सम्स टू मैच दीज डायग्राम्स। आपने करना है क्या करना है, डायग्राम्स आपको गिवन है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, डिवीजन सम्स शो करने, मतलब इसे इस डायग्राम्स को आपने फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे ये आपने शो करना है। इसे स्टार्ट करते हैं, और एक फ्रैक्शन जो एक डायग्राम को शो करता है, अब इसको अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन में जो हमें फ्रैक्शन को शो किया था डायग्राम के थ्रू, वो थोड़ा अलग प्रोसेस था इसका, अलग से वो शो करने का तरीका अलग था, फ्रैक्शन लिखने का मेथड या तरीका अलग था, डिवीजन में हम थोड़ा डिवीजन का अलग मेथड है, अलग कॉन्सेप्ट। अब देखें न्यूमरेटर हमारा हमेशा 1 आएगा डिवीजन सम्स में, मतलब आपको क्या करना है, एक ब्लॉक है, न्यूमरेटर क्या शो करेगा, न्यूमरेटर क्या शो करेगा, कितने ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है एक ब्लॉक है आपका, और इसे कितने पार्ट्स हैं, एक ब्लॉक के 3 पार्ट्स हैं। लेट सपोज अगर आपके पास एक डायग्राम गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 एंड 4 5, मैंने कितने पार्ट्स के एक ब्लॉक के, 5 पार्ट्स के, तो हम इसे डिवीजन समझें फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिगर लिखेंगे, सबसे पहले कितने फिगर्स हैं, 1 डिवाइड। अब देखेंगे इसको इस डायग्राम को हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, एक ब्लॉक है मतलब एक फिगर, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1/5। इसी तरह अब देखें इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, टोटल कितने फिगर्स हैं आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक, एक फिगर को हम फ्रैक्शन लिखें तो क्या आएगा, एक ब्लॉक है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। सो आपका आंसर होगा 3 होल 3 डिवाइड 1/3। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखें, सेकंड है आपके पास, इसे भी आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, मैं आपको बी करवा देती हूँ, उसका सी एंड डी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डायग्राम्स, नंबर ऑफ डायग्राम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड, अब फ्रैक्शन क्या गिवन है, एक ब्लॉक है, इसे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, तो 5 डिवाइड 1/2। सी है आपका 1 2 3 4 5, मतलब 1/5, और नंबर ऑफ डायग्राम्स कितनी है, 1 2 3, सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 डिवाइड 1/5। सी डी है आपका, ये आप लोगों ने खुद लिखना है, डी है आपका, नंबर ऑफ डायग्राम्स कितनी है, 1 2 3, इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, एक ब्लॉक के कितने पार्ट्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 1/4। सो सी एंड डी आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपरली अपनी कॉपीज मेंटेन कीजिए, कॉपीज में करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन इज़ डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपने क्या करना है, फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, डिवीजन करना अब आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको करवाऊंगी ए, ठीक है, सी सॉरी ई एंड ए एंड ई मैं आपको सॉल्व करूंगी, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है आपके पास, 1 होल 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5। अब देखें आपके पास सेकंड फ्रैक्शन कंप्लीट गिवन है और फर्स्ट फ्रैक्शन जो है आपको
मिक्स नंबर में गिवन है, और मिक्स नंबर में जब भी अब फ्रैक्शन गिवन होता है हम इसे किस में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। मतलब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 × 5, 5 + 2, 7, 7 / 5 डिवाइडेड बाय 4 / 5। अब देखें क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन गिवन है और ऑपरेशन आपके पास डिवीजन, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन की आपने डिवीजन करनी है, और डिवीजन करना मैंने आपको सिखाई है आपको एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिवीजन ही करते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। डिवीजन में हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले करते हैं रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल किस तरह करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहता है, डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका इनवर्स हो जाता है 5 / 4 / 5, इट मींस हो जाएगा 5 / 4। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही डिवाइड हो रहा है 5 से, मैं 5 से अगर इसे कैंसिल कर दूँ 5 × 5, 5 × 5, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आया, 7 / 1 × 1 / 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 7 × 1 / 1 × 4, 7 × 1 = 7, 1 = 4। अब देखिए आपके पास फ्रैक्शन क्या गिवन है, फ्रैक्शन आपके पास आ रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर आपका, सॉरी न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स हम इसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, रफर का कॉलम बनेगा आपका, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 1 = 4, 7 − 4 = 3 रिमाइंडर, इट मीन्स आपका आंसर आया 1 whole 3/4, इट्स योर आंसर। अब बी देखें इसका, 15 / 42 / 5। अब देखें यहाँ डिनोमिनेटर गिवन है, तो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या शो करना है, 1 शो करेंगे, और फिर सिंपल डिवीजन करने जैसे आपको सिखाइए, सी भी डिवाइड हो जाएगा, 84 आपको गिवन है, 84 की डिवीजन करेंगे, आपके पास न्यूमिनेटर गिवन नहीं है तो आप शो कर, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो आप डिनोमिनेटर क्या शो करेंगे, 1। लेस आपको दोनों होल नंबर्स में दिए हुए हैं, इम्प्रो मिक्स नंबर में दिए हुए हैं, तो मैं आपको ई पार्ट, ई क्वेश्चन नंबर, ई क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट आपको सॉल्व करानी, बाकी आप लोगों ने एज होमवर्क खुद सॉल्व करना है। ई है आपका 12 whole 3/5 / 4 whole 3/8, 12 whole 3/5 / 4 whole 3/8। क्या करना है, पहले इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 5 × 60 = 63 / 3 / 63 / 5 / 8 / 4 = 32 / 32 + 3 = 35 / 8। अब देखिए क्या करना है, आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई है डिवीजन करनी है फ्रैक्शंस की, डिवीजन किस तरह करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल में आपका फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम 63/5, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, 35 / 8 है तो ये हो जाएगा 8 / 35। देखिए हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, 7 की टेबल से अगर मैं कैंसिल करूँ डिवाइड बाय 7, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है 9/5 × 8/5। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सिंपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 8 = 72, 5 × 5 = 25। अब देखिए ये मेरे पास किसी टर्म, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इट मींस हम इसे मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैंसिलेशन नहीं हो रही किसी टेबल से, हम रफर का कॉलम बनाए, सेवेंटी टू को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 × 2 = 50, 2 − 0 = 2, 7 − 5 = 2, इट मीन इट्स रिमाइंडर, तो आपके पास आंसर आया है 2 whole 22/25, इट्स योर आंसर। इसी मेथड को फॉलो करके आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एज होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, और आपकी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट हुई आज के लेक्चर में, एक्सरसाइज 3C कंप्लीट, आपने क्या करना है, कॉपीज़ मेंटेन करनी है, होमवर्क कंप्लीट करना है, कॉपीज़ सबमिट करवानी है स्कूल में चेकिंग के लिए।